हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस पादे पर। तो शुरू करते हैं आज के नए ब्लॉग को। तो आपने जो है सुबह मॉर्निंग में देख लिया होगा हमारा ब्लॉग। तो हम वहाँ से आ गए थे दोपहर में, मतलब सुबह के टाइम में आ गए थे। हम यहाँ से गए थे सुबह 7 बजे और वहाँ से 11 बजे आ गए थे। हम सुबह सुबह निकल पड़े थे यहाँ से, और यहाँ से मुझे फोन करते ना, बहुत ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। बाला सुंदरी जी का मंदिर बहुत ही पास में है और इतना अच्छा लगा ना वहाँ पर जाके, बहुत ही ज़्यादा मन लगा। और पहली बार गई थी मैं तो इतना कुछ पता ही नहीं था वहाँ पे क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है। तो वहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। पहले जो है बाकी ये सब जा चुके थे मेरे ससुराल से, तो मैं तो पहली बार गई थी बाला सुंदरी जी के मंदिर पर। और फिलहाल ये आया, अभी नहा के आया, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो वहाँ से आने के बाद ना मेरी इतनी बुरी तरीके से तबीयत खराब हुई ना, बहुत ही बुरी तरीके से। क्योंकि कुछ तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पर जो मैंने चाट खाई थी पापड़ी वाली, आपको सुना भी होगा कल सुबह के ब्लॉग में, तो वो पापड़ी के मतलब वहाँ पे जो स्टोर लगे थे ना, इतने पता नहीं वहाँ पर साफ सफाई नहीं थी, क्या नहीं था, बस ही था खाना क्या था। वहाँ से आते जो मेरी हालत ख़राब हुई, मुझे ना रात तक होश ही नहीं था, ये देख लो। और डॉक्टर के गए, उसके बाद दवाई वगैरह लेके आए, तब जाकर होश आया। फिलहाल अभी हल्की सी कमजोरी सी महसूस है मुझे। और कल कमेंट में आया था, एक कमेंट आया था कि खा के नहीं जाया करते। मुझे पता है कि खा के नहीं जाया करते, पर क्या करूँ, मेरी तो पहले से इतनी तबीयत खराब है, तो मैं तो कुछ ना कुछ खा के जाना पड़ता। मेरी फिर वहाँ से आने के बाद भी तबीयत खराब हुई, और मैं तो खा भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती खिलाया था मुझे, तो मैंने इसलिए खा लिया था। फिलहाल तो चलो छोटे, कोई नहीं, माता रानी जैसे कृपा मुझे बरसा रखे ऐसे आप ही बरसाए। और आपको एक बात और बता दूं, माता रानी ने मतलब मुझे सपने में आकर खुद बुलाया था, इसलिए वहाँ पर मैं गई थी। तो मुझे सपने में दिखाई दिया था ना, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि हाँ वहाँ पर कुछ कुछ ऐसा ही है। तो मैंने जाकर खुद अपनी आँखों से देखा ना कि हाँ बिल्कुल वहाँ पर वही तालाब और वही पेड़ और उसके बराबर में एक बेंच थी बैठने की, सेम वही दिखाई दिया था। और मुझे एक कन्या दिखाई दी थी। चलो तो मैं घूमी वहाँ पे माता रानी के दर्शन करके आई, इसलिए मैं आपको सपना बता सकती हूँ। और ये देखिए कपड़े हैं, कपड़े धोऊंगी। और वह देखिए भी नहा धोकर आ चुके हैं, रेडी होने लग रहे हैं अपने जाने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग पीजीएफ। मेरे ब्लॉग में तो आप मिलोगे मुझसे। तो फिलहाल मैं नहा के रेडी होने जा रहा हूँ, छुट्टी है तब पीजीएफ। तो देखिए नहा धो के रेडी हो चुकी है, सुबह मुझे किस टाइम से उठा, 6:30 बजे से उठा ली, उठ जाओ। 7:30 बजे के आसपास मैं अपना आप उठा हूँ। तो उसके बाद जब मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ पूरा, और बाल बहाने हैं और फिर नाश्ता करना है, निकलना है मेरे को। और फिर मैंने देखिए कपड़े निकाल दिए सारे धोने के लिए, और अब थोड़ी तो उसकी तबियत ठीक है, मैंने निकाला थोड़ा, तबियत ठीक है तो थोड़ा आराम कर लिया, निकलने के नहीं अब ठीक हूँ मैं कर लूँगा, मानती है नहीं। फिर वही बात, देखना कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में मेरी तबियत डाउन हो रही है, मेरा बीपी लो है, बता रहा हूँ मैं, आप देख लेना इसीलिए। तो काम देखो भाई, काम जरूर सबका होता है, लेकिन इतना तो नहीं हुआ तबीयत, कल दिक्कत थी आज फिर योग करने लगी है ना, कोई तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। सो गाइस देखिए फिर हम जो है मंदिर लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि वो मेज रखी थी ना यहाँ पे, मेज पर कर दिया हमने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर काम मेज का, तो इसलिए मेज वहाँ पर जा चुकी है। अब यहाँ पर जो है स्टूल था हमारे पास, इस स्टूल के ना माता रानी चुनरी लगा के और यहाँ पे तो रखा जाएगा मुझे, देखिए 10 का उठ गया। बस सब ठीक है, मैं मोटर भी उठ गया, सही है सही है। मैं तो जो हूँ ये काम करता हूँ थोड़ा थोड़ा, देखिए मंदिर के ना ये कुछ लिख के रख दो ना, बस जिस दिन जाना और दिन ले आऊंगे, लिख जब याद रहा ना लिख दिया करो, बदी कर रहा हूँ ऊपर, एक उस पर लिख लिया करो जब भी याद आएगा कुछ, ठीक है। अखरोट खाया कर, ओ मम्मा पापा ना मारा, सही है ना, कर दूंगा
फिर हम ये होटल यहाँ पे ये वाले कौन थी गणेश जी ये वाले ये और कपड़े मार रहा सही सोच रहा गाइस देखिए मैं नहाकर भी कैसे हो चुका हूं साफ सफाई मेरी हो चुकी है ऊपर की मंदिर भी देख कितना सुंदर लग रहा है वहां पर अच्छा नीचे ठीक है देखिए नहाने के बाद भी कैसी है मेरी 12 बजे रे है मामा क्या हाल है उन्हें भी नहीं उठ गई क्या हो गया तो क्या हो गया जोर लगा के कपड़े जो है मैंने धो लिए हैं और अभी सुखा के आई हो और मम्मी को देखे यहाँ पर क्या कर दिया जो तो देख मीठा कर दिया वो ज्यादा पक गया दूध भूल के जा रही इसकी दही जो अच्छी मम्मी दूध देने लग रही है ये देखिए और मम्मी ने जो है मखाने भुने हैं मेरे लिए और मम्मी ने अपने लिए भुने हैं क्योंकि ज्यादातर ज्यादा नहीं खाया जाता ना मुझसे इसलिए मम्मी भी खाएगी मेरे साथ में चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद तो गाइस फिलहाल ना मैं बैठ के यहाँ पर मम्मी के साथ में मूवी देख रही हूँ और पापा जी जा चुके हैं अपनी जॉब पर क्योंकि सुबह सुबह ना भाई साहब चले गए थे पापा जी की जगह तो अब पापा जी चले गए भाई साहब आने वाले हैं और मैंने उनसे ना आज 2 समोसे मंगाए हैं 2 समोसे लेके आएंगे आज भी मेरे लिए और देखिए मम्मी जी को वैसे आपने कमेंट किया था ना कि मम्मी जी को साड़ी अच्छी लग रही थी उसके लिए आपको थैंक यू सो मच हाँ सच ये तो बात है मम्मी के ना सच में वो साड़ी ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी मतलब मम्मी के एक निखर सी कार थी वो साड़ी जच रही थी मम्मी के बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी लग रही थी सच मम्मी जी आपकी वो साड़ी आप आपके और पापा जी के फोटो थे ना बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हाँ डाली थी वीडियो मैंने हाँ दिखाऊंगी मैं आपको तो मम्मी जी को ना जो अपना व्लॉग है मैं अपनी एलईडी में चला के दिखाऊंगी और मम्मी देखेगी चलिए तो अब हम अपने फिल्म को जो है इंजॉय करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे सो गाइस तो देखिए भाई साहब आ चुके हैं कैंटीन से बहुत थक रहे हैं ये कह रहे हैं बहुत गर्मी हो रही है और ये देखिए मेरा समोसा भी आ चुका है इसके अंदर चिप्स का पैकेट और समोसा मेरा ये रहा समोसा और आप भी आइए खाइए मेरे साथ में समोसा चटनी भी लेके आए हैं मुझे ना हरी चटनी अच्छी लगती है थी नहीं अब कहीं कहीं मिल रही कहीं कहीं नहीं मिल रही है पता नहीं कि हमारे यहाँ की ना बहुत अच्छी चटनी है हरी चटनी कोई नहीं उनसे मंगवा लूंगी शाम के टाइम में लेते आ रही है आइए गाइस और मेरे साथ में जो समोसा एंजॉय कीजिए चलिए तो मैं खाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद